हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज लवलियो। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका आज का दिन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट टोन की इस क्रीम के बारे में। ये मैंने अभी अपने आसपास की लोकल स्टोर से परचेज की है। अब तो बहुत इजीली ये मार्केट में अवेलेबल है और इसके और भी बहुत सारी क्रीम्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। पहले इसका पाउडर आया करता था, अगर आप लोगों को मालूम है तो वाइट टोन पाउडर की बहुत ज़्यादा एड आती थी टीवी पर। ये एग्जैक्टली उसी की क्रीम है और इसकी एक प्रिटी 24 करके भी क्रीम आई थी जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका लिंक यहीं कहीं आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये फेयरनेस क्रीम है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बीबी क्रीम है। तो दोनों में से ये क्या है, आज हम इसी के बारे में और इसका बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 140 रुपीज़। 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है और इस तरीके की बहुत सी क्यूट सी पिंक वाइट कलर की पैकेजिंग में आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे इसका पाउडर की पैकेजिंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी पैकेजिंग है इसकी। और यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें पैराबिन भी है, इसमें केमिकल भी हैं और इसके साथ साथ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं। जो लोग पैराबिन या केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना चाहते तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें ग्लिसरीन है, ऑलिव ऑयल है और विटामिन ई है जो कि इसके की इंग्रेडिएंट है। नहीं तो आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन अगर मैं पढ़ने बैठी तो काम हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं किया हुआ है कि ये बीबी क्रीम है या नॉर्मल क्रीम है जो इसका कौन है। और यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ लिखी हुई है कि वाइट टोन, सॉफ्ट एंड स्मूथ और हाइड्रेटिंग, सन प्रोटेक्शन और फेस क्रीम। आप देख सकते हैं ना तो इन्होंने यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया है कि ये फेयरनेस क्रीम है, ना ही इन्होंने मेंशन किया है ये बीबी क्रीम है। बस इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि इसके अंदर सनस्क्रीन है, ये भी नहीं बताया कि कितना SPF है, जो इसका बिल्कुल कौन है कि कुछ भी मेंशन ही नहीं है, कुछ भी क्लियर ही नहीं है कि ये क्रीम है किस लिए। एक मेकअप प्रोडक्ट है बस इतना बताया गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मेंशन की गई है वो सिर्फ लिखा हुआ है सॉफ्ट एंड स्मूथ और हाइड्रेटिंग। तो ये चीज़ अब देखना चाहती हूँ मैं भी कि कितनी हाइड्रेटिंग है। आगे मैं आपको वीडियो में इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बताऊंगी क्योंकि मैंने भी इससे पहले इसे कभी यूज़ नहीं किया है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ सामने ही आप जो फील करूंगी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी इसकी वो ये चीज़ है कि इसमें सन प्रोटेक्शन तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें बताया नहीं गया है कितना सन प्रोटेक्शन है, 30 है, 40 है, 50 है, कितना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें भी नहीं पता कि हमें कितना सनस्क्रीन अप्लाई करना है, करना भी है कि नहीं करना है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग बाहर वर्किंग हैं या घर में भी रहते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके पहले आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन में सिर्फ यही लिखा गया है कि अप्लाई वाइट टोन फेस क्रीम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जितना ज़रूरत है उतना लगाओ और जब भी ज़रूरत हो तब लगाओ। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये फेस क्रीम है। फेस क्रीम पढ़ते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये नॉर्मल क्रीम होगी, फेयरनेस क्रीम होगी या फिर एक नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम होगी। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। उससे पहले मैं आपको इसकी ट्यूब की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की ट्यूब की पैकेजिंग है जैसे कि कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, वैसे ही पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। 50 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिल जाता है इस तरीके का। सारी चीज़ें वही मेंशन है जो आगे इस पे दी हुई है। और आगे हम देख लेते हैं कि कैसा फील होता है मुझे इसे लगाने के बाद और कैसा लगता है बीबी क्रीम है या फेस क्रीम है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो में चलते हैं। सो ये है प्रोडक्ट और इसे ओपन करके देख लेते हैं फटाफट से इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है गुलाबों की तरह और नॉर्मल जैसी क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी कंसिस्टेंसी है। और मैंने अभी अपने फेस को वॉश किया हुआ है, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया है ताकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा जान सकूँ। स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे मार्क से देखते हैं कितना कवर करता है, करता भी है कि नहीं।
हल्का सा टिंट है, अगर लगाने के बाद देखा जाए तो हल्का सा टिंट है, बीबी क्रीम की तरह काम कर रहा है ये। अगर आपने कभी ग्लैमअप की क्रीम यूज़ की है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी क्रीम का टेक्सचर भी वैसा है और काम भी वैसा कर रहा है, और एकदम थोड़ा सा वाइट वाइट सा फील हो रहा है मुझे। आप देख सकते हैं स्किन थोड़ी वाइट वाइट सी लग रही है इसे लगाने के बाद। अगर कहीं से छूट भी गया है तो साफ पता लग रहा है कि मेकअप किया हुआ है। देखते हैं थोड़ी देर में ये कैसा असर दिखाता है तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसे लगाने के बाद मैंने अपना पूरा मेकअप कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं फाइनल लुक। और लगाने के थोड़ी देर बाद ही आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अपने फेस के ऊपर कुछ भारी चीज़ लगाई हुई है, लाइक फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको कॉम्पैक्ट लगा के साथ सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो वाइटनेस थी वो भी धीरे धीरे नॉर्मल में कन्वर्ट हो रही है। ये अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, वैसे इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अगर हम इसे देखें तो, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक बीबी क्रीम से भी हल्का टिंट देती है। बिल्कुल मिनिमम कवरेज है इसकी, बहुत हाई या मीडियम कवरेज नहीं देता। जस्ट आपने ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मॉइस्चराइजर लगा के कोई कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा दे रहा है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आपको हाइड्रेटिंग तो नहीं फील होगा, लेकिन ऑयली स्किन वालों को हल्का हल्का हाइड्रेटिंग फील होगा। और अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले हैं मेरी तरह, तो भी आपको हल्का सा हाइड्रेटिंग लगेगा। और अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको भी सूट करने वाला है। तो मेरी तरफ से इसके लिए बिग थम्स अप है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आईडी आपको यहीं के स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।